नगरों की सफाई बहुत आवश्यक होती है और ये अनुभव है सबका कि जितना जल्दी सफाई हो जाती है उतना ही सफल मानी जाती है। बाद में भीड़ भाड़ हो जाती है, वाहन चलने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है, लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए ये विचार आया और हमने विचार रखा, सबको निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और हमसे इस वक्त बात करने के लिए आजमगढ़ में आए, पहली बार अपने यूँ कहें पैतृक मंडल में आए AK शर्मा साहब। सर, पहली बात तो स्वागत है आपका आजमगढ़ में, और जिस तरीके से आपने अब सुबह 5 ही बजे सबको दौड़ाना शुरू कर दिया, 5 साल में तो क्या होगा, क्या कहना है? नगरों की सफाई बहुत आवश्यक होती है और ये अनुभव है सबका कि जितना जल्दी सफाई हो जाती है उतना ही सफल मानी जाती है। बाद में भीड़ भाड़ हो जाती है, वाहन चलने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है, लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए ये विचार आया और हमने विचार रखा, सबको निर्देश दिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने निकायों के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों का, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों का और उनके संगठनों का, कि हमारी इस आह्वान को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिया है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और नगरों की सफाई में थोड़ा फर्क दिखने लगा है। अच्छा सर, आपके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग है, ऊर्जा भी है और नगर विकास भी है, तो मैंने ये देखा कि अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी आपने कॉल सेंटरों को जिस तरीके से किया उसके बारे में बात करता हूँ। ऊर्जा के क्षेत्र में जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं उन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी संख्या में हर घंटे हर मिनट शिकायतें खड़ी होती रहती हैं, कहीं बिजली कट जाने की तो कहीं बिजली गुम हो जाने की, कहीं बिल में संशोधन करने की, इस तरह की तमाम शिकायतें राउंड द क्लॉक चलती रहती है। उन्हें डील करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं फिर से ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों में हमने उस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए ऊर्जा शक्ति नाम का जो हमने एक नेटवर्क बनाया है उसको सफल बनाने में वो लोग काफ़ी जी जान से जुटे हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 48-50 घंटे के कामकाज के बाद काफ़ी फर्क पड़ गया है और काफ़ी अच्छा अनुभव आ रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप जब सर्विस में थे, एक तरीके से आपने एक योजना लागू की थी लघु उद्योग की, जो इम्प्लीमेंटेशन केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया, इस तरीके से रोजगार को बढ़ाने के लिए और इस तरीके से योजना, अब आप तो मंत्री के रूप में हैं, लघु उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे लघु और मध्यम और छोटे उद्योग, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं जब उस मंत्रालय का सचिव था उसी समय वो कोरोना का भी समय चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, उस पैकेज को अच्छे से हम लोगों ने अमल किया, उसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके हमने उसको आगे बढ़ाया था, उसका बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और अभी कुछ दिन पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से MSME सेक्टर को एक बहुत अच्छा डोज दिया है फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट का, तो उस अब लगभग MSME सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। अच्छा सर, 9 जून आपने फिक्स किया अयोध्या को, जिस तरीके से आजमगढ़ बहुत नेतृत्वहीन रहा, इसके लिए क्या कहेंगे? आजमगढ़ के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो सर, ये थे AK शर्मा जी, जिनका व्यस्तम कार्यक्रम है लेकिन यूपी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने केंद्र में फैलाई अपने तरीके की योजनाओं को, और चाहे अब कैबिनेट मंत्री के रूप में सुबह 5 बजे ही अधिकारियों को जगाने का जो मुहिम चलाया है उससे लगता है कि 5 सालों में Yogi 2 सरकार अपना नया करामा दिखाने के लिए पेश करेगी अपने नए तरीके की जिम्मेदारी। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी।